सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी आपका कुछ लोगों का कल बहुत मैंने मतलब उस पर टेलीग्राम चैनल है जो अपना ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से मेन है और जो दूसरा है अंशु सिंह के नाम से, उसमें दिन भर यार पोस्ट करते रहे लोग कि ये एयरफोर्स एग्ज़ाम ये अभी कुछ भी डेट नहीं है तो उसका छोड़ दो आप, ठीक है, कहीं भी चक्कर में मत पड़ो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब कोस्ट गार्ड का जो ऑफिशियल सिलेबस होने वाला है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप इंडियन कोस्ट गार्ड का नेक्स्ट अगर अपकमिंग जो फॉर्म फिल होना है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, 2 जुलाई से फॉर्म फिल करना है तो आप डेफिनेटली, और एग्ज़ाम इसका मिड सेप्टेम्बर में कंडक्ट कराया जाएगा तो डेफिनेटली वीडियो वॉच कर सकते हो। यहाँ पे ऑफिशियल सिलेबस डिस्कस करेंगे, पेपर क्या कैसे होने वाला है, वो सारी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है जैसे बुक वगैरह कौन सा चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपका रिक्वर करने का मतलब नेक्स्ट वीडियो पे या फिर कुछ भी प्लान करके आपको जल्दी बता दूंगा। अब एक चीज़ पहले बता देता हूँ, यांत्रिक वाले केवल यांत्रिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डीबी वाले डीबी के लिए और जीडी वाले जीडी के लिए। केवल आप एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तीनों में से कोई एक पोस्ट जिसके लिए आप एलिजिबल हो। आगे बढ़ते हैं, डीबी के लिए केवल केवल जैसे आप डीबी का फॉर्म फिल करते हो सेक्शन फर्स्ट, आप किसी भी कैटेगरी से हो सेक्शन फर्स्ट आपका मतलब केवल केवल पेपर एक आपको देना पड़ेगा, जिसमें आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हो, आप EWS कैटेगरी से आते हो, आप OBC कैटेगरी से आते हो या फिर आप SC ST कैटेगरी से आते हो, तो अगर इन तीनों से ऊपर वाले तीनों से आते हो अनरिजर्व EBS और OBC तो आपको केवल केवल 30 नंबर लाने होंगे, जबकि SC और ST कैटेगरी से आते हो तो केवल केवल 27 नंबर से आपका काम हो जाएगा। मतलब कि कितना, इतने नंबर आपको पासिंग चाहिए, ठीक है। वैसे DB का पेपर आपका 60 नंबर का होता है, DB का पेपर 60 नंबर का, और 60 नंबर में आपको इतने नंबर चाहिए कैटेगरी वाइज, बट इतने कम से कम आपके होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो नावे GD के एस्पिरेंट होके भाई आपको DB का भी पेपर देना पड़ेगा, DB का भी पेपर देना पड़ेगा, जिसमें आपको 30 नंबर DB वाले पेपर में लाने होंगे अगर आप इन तीनों कैटेगरी में ऊपर वालों से बिलोंग करते हो, जनरल EVS OBC, और बाकी जो GD का पेपर होगा 50 नंबर का उसमें आपको 20 नंबर लाने होंगे, टोटल आपके 50 से कम नहीं होने चाहिए, ओके। ऐसे ही अगर मैं SC ST की बात कर लेता हूँ तो 27 नंबर और इधर उनको 17 नंबर, मतलब कि 44 नंबर भाई साहब आपको लाने होंगे, ठीक है। सामने एक चीज़ लिखी हुई है, पासिंग इन सेक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड सेपरेटली इन कंपलसरी, मतलब कि इसमें आपको 30 पक्के पक्के चाहिए और इसमें आपको 20 पक्के पक्के चाहिए। अगर इससे कम आते हैं, इस पता लगा 30 नहीं 60 का ये पेपर होता है, तो आप इसमें 55 भी नंबर ले और 20 की जगह इसमें 19 लाओगे, नंबर तो आपके अच्छे आ जाएंगे लेकिन आप फेल हो जाओगे, अलग अलग सेक्शन वाइज है यहाँ पे, ओके। जो आपके यांत्रिक वाले भाई साहब वो आपको भी DB का पेपर देना पड़ेगा, सेक्शन फर्स्ट देना पड़ेगा, तो ये आपका पेपर का शेड्यूल हो गया। आगे थोड़ा सा पेपर किस टाइप का होगा, कितना होगा, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एज यूजर थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ, दिन बैक आते हैं और फिर आप यहाँ पे मतलब वीडियो लीव करके मत जाना, डिस्कस करते हैं आगे। देखो अनअकैडमी में भाई एक ऑफर चल रहा है कि अगर कोई भी 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेगा तो उसे 2 मंथ का फ्री में मिल जाएगा, और ये कब तक है, ये 23rd तक, जून तक है, और एक और भी है 3 महीने का अगर कोई लेगा तो 4 महीने का 1 महीने का फ्री में मिल जाएगा। तो मैं ये वाला भाई सब रिकमेंड करूँगा अगर कोई भी करना चाहता हो, क्योंकि 4 महीने में आपका एयरफोर्स नेवी NDA एयरफोर्स मतलब कि कोस्ट गार्ड चारों के चारों एग्ज़ाम हो जाएंगे, और आप अगर 3 महीने भी मन लगा के पढ़ लोगे भाई एक दो तो पक्के निकल जाने, मेडिकल फिट हुआ तो सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी अगर कहीं दिक्कत होती है तो वो फिर आपका हो सकता है। प्राइस वगैरह भी बढ़ने वाले हैं तो ये कुछ इन्होंने ऑलरेडी पहले से बता रखा है। और एयरफोर्स के लिए भी बैच लॉन्च हुआ है 12 जून से, जिसमें मतलब इंग्लिश का टॉप एजुकेटर्स, फिजिक्स, मैथ, ये सभी के सभी यहाँ पर आपको पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। एंड कमांडो NDA सेकेंड के लिए बैच स्टार्ट हुआ है 16 जून से, तो डेफिनेटली आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इन सभी के लिए भाई एक कोड का ऑप्शन आता है, तो अपना कोड वही है ONLINE D50, ठीक है, ONLINE D50 डाल देना, जिससे आपको 10, देखो यहाँ पे ONLINE D50 यहाँ पे जैसे ही हमने डाला ये सामने कुछ किया तो ऑफर अप्लाई हो गया, अपना 10% का डिस्काउंट मिल गया। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर बताना। अब थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, सेक्शन फर्स्ट की बात कर लेते हैं। सेक्शन फर्स्ट आपका DB का पेपर होगा, 60 नंबर का पेपर होगा, टाइम 45 मिनट मिलेंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक मैथ के आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे, इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में 10 क्वेश्चन आएंगे, GK में 5 क्वेश्चन आएंगे, अकॉर्डिंग टू द पेपर सेम पेपर ये आया था, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इधर पासिंग मार्क्स की, तो 30 नंबर कम से कम अनरिजर्व वालों को चाहिए और 27 नंबर SC ST कैटेगरी वालों को चाहिए, क्लास 10th के सिलेबस के बेस पे आपका ये आने वाला है। नेक्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं सेक्शन सेकेंड वालों को, मैक्सिमम मार्क्स 50, टाइम 30 मिनट होगा, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, मैथ आपका 25, फिजिक्स 25, और पासिंग होने के लिए, पास होने के लिए 20 and 17 मार्क्स आपको चाहिए, क्लास 12th के मैथमेटिक्स फिजिक्स के सिलेबस के बेसिस पे, मतलब क्लास 12th का सिलेबस आएगा,
बट यहाँ पे एक चीज़ जो मैटर करती है वो होती है फिजिक्स। टाइम कम होता है, टाइम कम होता है अपने पास, और इस बार फिजिक्स का लेवल कोस्ट गार्ड में काफ़ी हार्ड आया था, नेवी डबल ए के लेवल का। आप में से किसी ने भी दिया होगा तो भाई बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने अभी से 2 महीने पहले तो एग्ज़ाम हुए थे, 2-3 महीने पहले तो उसका रिव्यू शेयर किया था, तो कैंडिडेट का बात भी करके शेयर किया था, तो बहुत बता रहे भाई मतलब फिजिक्स थोड़ा लेवल का ही रहा, तो फिजिक्स पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। तो ये कुछ हो गया, अब सिलेबस आगे बढ़ते हैं। देखो ऑफिशियल सिलेबस का अगर आपको PDF चाहिए तो यहाँ पे आओगे ऑनलाइन एजुकेशन में, इसमें मतलब मीडिया वाले फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन ये अपना टेलीग्राम चैनल है, मेन ग्रुप है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अगर नहीं मतलब अगर ऑफिशियल पे जाके देखना है तो वहाँ पे देख सकते हो, बट इसका PDF भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मीडिया में। चलो मैं ऑफिशियल में आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ, और सिलेबस पे जैसे ही हम पे क्लिक करेंगे तो सिलेबस ओपन होके आ जाएगा। पहले सेक्शन फर्स्ट का पेपर ओपन होके आएगा। सेक्शन फर्स्ट में आपका देखो पहला साइंस सेक्शन आना होता है। साइंस में आपका मतलब 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल, विटामिन वगैरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि साइंस आपका जो आता है वो भाई उसमें फिजिक्स के भी एक दो, मतलब फिजिक्स मोस्टली 15 क्वेश्चन में 9 से 10 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से देखने को मिलेंगे, 3 से 4-5 क्वेश्चन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से, जो भी बेसिकली मेटल से हो सकते हैं, विटामिन से हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी डिशेज से बिलोंग कर सकते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। सो ऐसा करके नेक्स्ट देखो बाकी सब कुछ फिजिक्स होता है, तो आपको फिजिक्स अगर GD का फॉर्म फिल करने वाले हो तो भाई फिजिक्स का तो फिल करना ही होगा, जैसे फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ, मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब आपके फेवरेट चैप्टर हैं, ठीक है, हीट, थर्मोडायनामिक्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, साउंड, वेव और एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो बस इतना ही आपका आ जाता है। आगे अगर बात कर लेते हैं अर्थ मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में आपका कोई भी टॉपिक अर्थमेटिक का नहीं छूटता, कि 20 नंबर का आता है, और पूरे हर एक टॉपिक से क्वेश्चन इसमें अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो पूरा मैथ का हर एक टॉपिक, जैसे मैथमेटिकल सिंपलीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लाइनरी इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, ये सारी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इंग्लिश में देखो पैसेज नहीं आया था एग्जाम में, बाकी सब कुछ आया था, चेंज एक्टिव पैसिव, पैसिव तो 2-2, 3-3 पैसिव आया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2-2, 3-3 डायरेक्ट आया था। अभी 3 महीने एग्जाम हुआ था यार, मैंने हर एक शिफ्ट का रिव्यू शेयर किया, इस वजह से मुझे याद है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन आए थे, ATM, मतलब कि 10 नंबर तक तो वोकैब्स ही आ जाता है, तो थोड़ा वोकैब्स से फोकस करो, बाकी सब कुछ पूरा का पूरा टॉपिक आता है। GK आपका ज्योग्राफी वगैरह पढ़ सकते हो, GK तो कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता जी, लेकिन ये चीज़ें कुछ फिक्स दी हैं। स्टैटिक पढ़ो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, स्टैटिक पढ़ोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, काम हो जाएगा। कल्चर, रिलीजन, फ्रीडम मूवमेंट, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, हेरिटेज, हिस्ट्री, डिफेंस, वॉर्स, नाइबर्स, अवार्ड्स, ऑथर्स, डिस्कवरीज, न्यूट्रिशन, करंट अफेयर, कॉमन फुल फॉर्म्स आ जाते हैं, कैपिटल एंड करेंसीज क्वेश्चन बन जाता है, इवेंट्स, नेशनल एंथम, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। और बाकी अगर फिजिक्स और मैथ की बात कर लेते हैं, अर्थ जो आपका टेक्निकल पे आने वाला है उससे आप मतलब लीव नहीं कर सकते। फिजिक्स जो आपका होता है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, आपका कोई भी टॉपिक फिजिक्स का नहीं छूटता। आप एयरफोर्स के एस्पिरेंट हो, एक्स ग्रुप वाले, तो भाई आपको जो एक्स ग्रुप के लिए पढ़ रहे हो वही आपका कोस्ट गार्ड के लिए फिजिक्स हो जाता है। आप जो कोस्ट गार्ड के लिए मतलब कि एयरफोर्स और नेवी के लिए मैथ पढ़ रहे हो, NDA के लिए मैथ पढ़ रहे हो, वही आपका फुल मैथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं ये तो आप उसका रिव्यू खुद देख सकते हो सकेगा तो मैं 2-3 रिव्यू के वीडियो टेलीग्राम पर फॉरवर्ड कर दूंगा या आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, तो आप खुद देख लेना जो कैंडिडेट ने रिव्यू शेयर किए थे कि किस टाइप का पेपर आया था। बाकी कोई दिक्कत लेने का सीन नहीं है, बट मुझे एक वार्निंग टाइप में देनी है कि फिजिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना, बाकी मैथ अच्छा आता है कोई दिक्कत नहीं आप कर जाओगे, लेकिन फिजिक्स कैंडिडेट को थोड़ा सा हिला देती है। कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसका मैं PDF टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे फॉरवर्ड कर दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फिर से।